हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जमील इस्लाम में स्कूल के एंट्रेंस जो भी इस बार देने वाले हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन, प्री, इसके अलावा एलेवन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा, इसके बाद आपको इसके वेबसाइट पर क्लिक करना है। और इसके बाद इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी आपको इसी वेबसाइट पे ही एडमिट कार्ड मिलेगा। ये नहीं कि आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडमिट कार्ड इनके वेबसाइट पे आएगा और आपको सिंपली अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है। आपके पेपर आपको पता ही है कि 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कुछ का 6 है, कुछ का 7 है, कुछ का 13 है, कुछ का 14, 15, इस तरीके से है। अब मैंने एक छोटा सा JPG के फॉर्म में मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है कि किस किस स्टेट में किसका पेपर है, तो मैं फिर से दोबारा डाल दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि एडमिट कार्ड, तो मैं आपको एडमिट कार्ड को लेकर कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। एडमिट कार्ड जो है किस किस कोर्स का आएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना ही आपका प्री का आने वाला है, ना ही आपका नर्सरी का आने वाला है, और ना ही आपका क्लास फर्स्ट का आने वाला है, क्योंकि इन तीनों में जो है एडमिशन होता है लॉटरी के थ्रू। और लॉटरी में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उस प्रिंट को रखिए, बहुत है, उसी से ही काम हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 6 का, 9 का और 11 का। 6, 9 तो समझ में आ ही रहा है, पहले जो है आई थिंक 9 का पेपर, देन 6 का, फिर 11 का है। तो 11 की अगर हम बात करें तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी कोर्स का एडमिट कार्ड आएगा, यानी 6 का आएगा, 9 का आएगा और 11 का। पर सवाल होगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसका सोल्यूशन मैं स्टूडियो में फाइनल दे रहा हूँ कि आपका एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के 1 वीक पहले, तो अभी आपको पता ही है आपका टाइमिंग जो है आज 24 है अप्रैल, मान लीजिए, सॉरी हाँ अप्रैल, और आपका एंट्रेंस जो स्टार्ट हो रहा है 7 मई के आसपास से, 7, 8 है, इस तरीके से है। तो एडमिट कार्ड आपके ठीक 1 मई, यानी कि 1 मई को, अराउंड 1 मई के आसपास में आपके कार्ड आ जाएंगे। आपको ये भी पता है कि आपका एंट्रेंस दिल्ली में ही है, तो आप अपना इसके लिए टिकट वगैरह का जो भी प्लान है आप कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस तो आपका पोस्टपोन होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है, मैंने एडमिट कार्ड के एक्सपेक्टेड डेट बता दिया, उससे पहले आना मुश्किल होगा और ना ही ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड उस सबसे रिलीज़ किए जा रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करिए। थैंक यू।